नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेन इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट स्ट्रेस, जो है इंटरनल फोर्स है पर यूनिट वॉल्यूम, ओके पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, सही बात बोल रहा है। स्ट्रेस जो हो सकता है किसी बॉडी का इंटरनल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे ये समझो कोई रॉड है, मेटल रॉड, अब तुमने इसको तो कोई फोर्स लगाया नहीं बाहर से, अब बिना तुमने फोर्स लगाए अंदर से ही फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? जैसे ट्रेन की पटरी देखो, उस पर गाड़ियाँ चलती गर्मियों में, गर्मियों में उसका कुछ ना कुछ विस्तार हो जाता है, और थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और ट्रेन के दो पहिए उसके बीच में थोड़ा गैप भी छोड़ते हैं, इसलिए कि बढ़े तो टेढ़ी ना हो। तो ये रहा आपका एक किसकी वजह से, हीट की वजह से चेंज हुआ, इसकी लेंथ बढ़ गई। तो इंटरनल फोर्स की वजह से उसका क्या स्ट्रेस उस पर हो सकता है, स्ट्रेस फोर्स तो लगेगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया में फोर्स लग सकता है इंटरनल, अगर बढ़ रहा है इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है, ओके। तो नो डाउट, क्योंकि अगर रबर इज मोर इलास्टिक देन, रबर इज मोर इलास्टिक, अब बोल रहा है रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील, नो रबर इलास्टिक नहीं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो मतलब रीजन फॉल्स है। तो देखते हैं, अच्छा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, ठीक है ना। अगर ट्रू होता कब, अगर इलास्टिक कौन होता, इलास्टिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ किसका, स्टील का ज़्यादा होगा किसके, किस इलास्टिसिटी ऑफ रबर से, ये सही है, बट ए जो है एक गलत है, ओके। थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।